नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की एक योजना के बारे में। यह योजना जो है बेघर युवाओं को घर देगी। बिहार में बालिग बेघर नौजवानों को सरकार जमीन देगी। सरकार ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अगले वित्तीय साल में इस योजना का लाभ भी बेघर नौजवानों को मिलने लगेगा। ऐसे में अब सरकार बसेरा अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि इस योजना के तहत अब तक 70% से अधिक भूमिहीन परिवार को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन दे दी गई है। सूबे में करीब 26,000 लोग बिना घर के बचे हुए हैं। सरकार ने बसेरा अभियान के तहत अब तक 52.30 एकड़ जमीन बांट दी है। बता दें कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों में 50.25 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बास भूमि रहित 90,301 परिवारों को 5 डिसमल बास भूमि दे दिया है। राज्य के सिर्फ 26,394 परिवारों को ही घर बनाने के लिए जमीन सरकार से मिलना बाकी है। बता दें कि राज्य सरकार ने 2014 से इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत में बास भूमि रहित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस योजना में जमीन की मात्रा बढ़कर अब 5 डिसमिल कर दिया गया है। जिस समय इस योजना की शुरुआत हो रही थी, उस समय के सर्वे को अगर हम देखें तो प्रदेश में मात्र 1,16,695 परिवार ही ऐसे थे जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी। ऐसे परिवारों में सबसे अधिक 70,053 परिवार सिर्फ महादलित वर्ग से आते थे। इसके बाद इसमें 13,295 परिवार अनुसूचित जाति से आते हैं। सरकार के पास अब जो आंकड़े पहुंच गया है तो उन्होंने इसी अनुसार बांटना शुरू कर दिया। यानी कि सरकार के पास जो आंकड़े आए शुरुआती दिनों में, उसके अनुसार उन्होंने जो है जमीनों की आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी हिसाब से सरकार ने लगभग 3/4 से अधिक लोगों को जमीन मिल चुकी है। सरकार के पुराने आंकड़ों के अनुसार लगभग लोगों के पास जमीन मिल चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को जमीन मिलना बाकी है। ऐसे में अब सरकार एक बार फिर से सर्वे कराने पर विचार कर रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि नए बास भूमि वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में सरकार नए लोगों को जमीन देने पर भी विचार कर रही है। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं अब तक कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले सर्वे में बच गए, उन्हें सरकार अभी तक जमीन का आवंटन नहीं कर सकी है। बता दें कि इस कड़ी में बिना बास भूमि वाले परिवारों में सबसे अधिक लगभग 15,000 महादलित परिवारों को भी संख्या है, जिनको कि अभी जमीन जो है शुरुआती आवंटन जो शुरुआती सर्वे हुआ था उसमें अभी भी 15,000 महादलित परिवार है जिनको कि ये जमीन मिलनी है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति में 1,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें जमीन नहीं मिल पाया है। इसके बाद पिछड़ी जाति में एनेक्चर 1 के लगभग 4,000 और एनेक्चर 2 से लगभग 2,500 ऐसे परिवार हैं जिन्हें अभी भी बास भूमि मिलनी है। ऐसे में अब सरकार नए सर्वे कराकर जिनके पास बास भूमि नहीं है उन्हें जमीन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। तो इस तरह से कह लें कि बिहार सरकार जो है अब वैसे बालिग नौजवानों को जमीन देगी जो कि बेरोजगार हैं या फिर जिनके पास जो है जमीन है ही नहीं। बिहार सरकार के, अगर हम नीतीश सरकार की खास करके बात करें तो इनके जब शुरुआती कार्यकाल था नीतीश कुमार का, तभी उन्होंने कहा था कि हम भूमिहीनों को भूमि देंगे। उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि इस तरह से बेरोजगार नौजवानों को जो है बिहार सरकार अब एक तरह से कह लें कि घर देने की बात कर रही है। शुरुआती अगर दिनों की बात करें तो 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी, अब जो है वो बढ़कर 5 डिसमिल हो गई है। तो बिहार सरकार लगातार इस पर सर्वे करा रही है और अब जो आंकड़े निकल कर सामने आएंगे उसमें जो है बिहार सरकार एक बार फिर से नए लोगों को जो है वो इस कड़ी में जोड़ेगा। पुराने लोगों को तो जमीन दे ही जाएगी, लेकिन अब नए लोगों को भी इस कड़ी में जोड़ा जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।